हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग चर्चा रविशंकर में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होने वाला है कि माइंस इंस्पेक्टर का जॉब क्या होता है, इसका प्रोफेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, जो भी माइंस इंस्पेक्टर होता है वो फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का वैकेंसी रहता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसका डायरेक्ट कंट्रोलिंग रहता है। वहीं आप देखिएगा माइनिंग सरदार और ओवरमैन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी रहता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू का वैकेंसी रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी नहीं रहता है। तो आप इसे जान सकते हैं कि माइंस इंस्पेक्टर का जो भी पोस्ट रहता है वो बहुत ही पावरफुल पोस्ट रहता है। इसके अलावा और बता दें फ्रेंड्स कि पावरफुल पोस्ट होने के साथ साथ भले इसका सैलरी कम रहता है एज कम्पेयर टू माइनिंग सरदार ओवरमैन, लेकिन आपको पावर बहुत मिलता है। पावर कहने का मतलब हो गया कि आपको अपना कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा चीज को जांच करने का आपको पावर दिया जाता है। जैसे आप माइनिंग सरदार बनिएगा तो बहुत हद तक आप बस एक्ट रूल रेगुलेशन का ही जांच कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने शिफ्ट के दौरान जहां आप ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक माइंस इंस्पेक्टर है तो आप पूरा एरिया के अंदर माइनिंग से जुड़ा हुआ किसी भी चीज के लिए आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि माइंस इंस्पेक्टर जो होता है उसके पास जो पावर रहता है उसके पास बहुत अधिक पावर रहता है, जैसे कि उसके पास स्टेट मिनरल्स का भी पावर रहता है, राज्य सरकार जो मिनरल्स को लेकर के एक्ट बनाया है उसका भी पावर रहता है। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्ट रूल रेगुलेशन, जो कोल माइंस रेगुलेशन है, सिर्फ उसके तहत ही आपको काम करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन जो माइंस इंस्पेक्टर रहता है उसको स्टेट मिनरल डेवलपमेंट का जितना भी एक्ट बना हुआ है उसको भी फॉलो कराने का जिम्मेवारी रहता है। आप सोच करके देखिए कि आपके एरिया में अगर कोई छोटा सा गिट्टी का भी माइंस चल रहा है, छोटा सा बालू का भी खनन हो रहा है, तो वहां का माइंस इंस्पेक्टर के पास ये पावर रहता है कि वो जाकर के कभी भी 24 घंटे में कभी भी जाकर के जांच कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि उसका पावर कितना ज्यादा होता होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, बता दें कि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं माइंस इंस्पेक्टर का, उनको एक बेसिक नॉलेज हम दे देना चाहते हैं कि माइंस इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन करना और कोल इंडिया का वैकेंसी का प्रिपरेशन करने में जमीन आसमान का फर्क आपको मिलेगा। कोल इंडिया का जो आप प्रिपरेशन करते हैं फ्रेंड्स, वो हो सकता है 2-4 महीना का प्रिपरेशन करके आपका जो है रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है, लेकिन माइंस इंस्पेक्टर के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। माइंस इंस्पेक्टर के लिए आपको कम से कम बेसिक जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। बेसिक कहने का मतलब आपको जनरल साइंस भी आना चाहिए, जनरल मैथ भी आना चाहिए, जनरल रीजनिंग भी आना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जितना भी आपका डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग का जो सिलेबस था फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर सब तक का, सब कुछ आपको क्लियरली आना चाहिए, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी Volume 1, Volume 2, Volume 3, कहने का मतलब है कि जनरल माइनिंग, माइनिंग मेथड, इसके बाद माइंस एनवायरमेंट, माइनिंग इन मेटल, नॉन मेटल दोनों के लिए, और इसके अलावा फ्रेंड्स माइन मशीनरी, ये सब का पूरा अच्छा से जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक्ट रूल रेगुलेशन, जो कोल माइंस एक्ट, कोल माइंस रेगुलेशन है, ये सब आपको याद होना चाहिए बढ़िया से। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको स्टेट का जो एक्ट होता है, जैसे बिहार मिनरल्स एक्ट, झारखंड मिनरल्स एक्ट, उड़ीसा मिनरल्स एक्ट जैसे हो गया, ये सब जो है ये सब आपको अच्छा से पढ़ना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जिस स्टेट का एग्जाम दीजिएगा, आप जिस भी स्टेट का एग्जाम दीजिएगा उसी स्टेट के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर आप बिहार माइंस इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो बिहार के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसमें एरिया के कभी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है जनरल नॉलेज। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो माइंड का लेवल होना चाहिए ना, वो आप कोल इंडिया से हटके होना चाहिए, क्योंकि कोल इंडिया जो एक सीमित सिलेबस में एग्जाम लेता है, लेकिन जो माइंस इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा ना फ्रेंड्स, वो एक सीमित लेवल पे नहीं होगा, उसका लेवल बहुत हाई रहेगा। आपको एमएससी लेवल का भी जियोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइनिंग में आप सोचिएगा सिर्फ जनरल चीज ओपन कास्ट का अंडरग्राउंड का पढ़ के चल जाए, ऐसा नहीं है, आपसे डीप नॉलेज उसमें रखने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि देखिए, माइंस इंस्पेक्टर का पोस्ट लगभग इक्विवेलेंट टू स्टेट का जो एसएससी होता है उसके बराबर का पोस्ट रहता है, मतलब कि आप समझ जाइए कि कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं रहता है। हाँ, इसका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ वो भी चलता है जो हम बोल नहीं सकते यहाँ पे, कई बार ऐसा देखा गया है होता है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मेहनत करने से रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है कि मेहनत करने से रिजल्ट नहीं होगा। माइंस इंस्पेक्टर का जो तैयारी कर रहा है और जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में है, सोच लिया है कि आपको माइंस इंस्पेक्टर में ही जाना है या माइंस इंस्पेक्टर का ही तैयारी करना है, तो आप अपना सिलेबस पे एकदम फोकस रहिए, क्योंकि इसमें सर्वेइंग भी पूछता है, इसमें सर्वेइंग भी पूछेगा, माइंस इकोनॉमिक्स भी पूछेगा, जो हम लोग का
मिनरल्स ड्रेसिंग और प्रिपरेशन इज अ रॉक मैकेनिक, सब कुछ इसमें आ जाता है इसके सिलेबस में। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग का कोर्स जो है डिप्लोमा वाला वो अगर आप अच्छा से कर रहे हैं मेहनत से, तो आपका 50% सिलेबस वहीं पे कवर हो जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर में आपको माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड सेफ्टी में एक्ट रूल रेगुलेशन भी आ जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर 3 साल आप मन लगा करके पढ़िएगा, और जो फर्स्ट ईयर में कैंडिडेट है तो उनका सिलेक्शन होने का चांसेस सबसे ज्यादा। और एक चीज बता दें फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज तक आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताया होगा, ये चीज हम इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में बताएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए रहेगा। तो फीमेल कैंडिडेट अगर कोई मेरे व्यूअर है तो आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो टोटली आपके लिए डेडिकेटेड रहने वाला है कि एक फीमेल जो है, फीमेल कैंडिडेट, वो माइनिंग इंजीनियरिंग करके कैसे सक्सेस हासिल कर सकती है। अगर आपकी भी बहन है, बेटी है या कोई रिलेशन में लगती है और आप चाहते हैं कि वो माइनिंग फील्ड में आए, तो हम आपको एक बहुत अच्छा सुझाव देने वाले हैं कि इसमें क्या है ना कि इसमें सक्सेस का परसेंटेज 100% है। एकदम लिखवा के ले लीजिए कि नौकरी, अच्छा नौकरी होना, फिर कोल इंडिया का नौकरी नहीं, इससे भी बेस्ट नौकरी होने का 100% गारंटी लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मिलने से हम लोग को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो देखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।